आगरा में एक सेठ रहते थे जिनका नाम लाला करोड़ीमल था। वो बहुत ही लालची और कंजूस थे। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि आप मुझे एक स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए, मैं खाने की सामग्री लेने जा रही हूँ। लाला ने कहा, अरे भाग्यवान, इतना ज्यादा पैसा सिर्फ खाने पर नहीं खर्च करना चाहिए। तभी घर की रसोई से कुछ टूटने की आवाज आई। दोनों घर के अंदर गए तो देखा कि उनके बेटे घर में घी का घड़ा तोड़ दिया था। लाला जी का गुस्सा आ गया और उसको डांट के घर के बाहर भगा दिया। तभी लाला की पत्नी ने कहा, आप इसके लिए कोई अच्छा सा शिक्षक क्यों नहीं ढूंढ लेते हैं? वैसे भी ये बहुत शरारती हो गया है। लाला ने तुरंत उनकी बात मान ली और अपने दोस्त बीरबल से मिलने उनके घर चले गए। बीरबल से लाला ने मिलके अपनी फरियाद की। तब बीरबल ने उन्हें कहा, मैं एक बहुत ही अच्छे शिक्षक को जानता हूँ, उनका नाम है विनायक और वो आपके बेटे को अच्छी शिक्षा देंगे। अगले ही दिन लाला करोड़ीमल के घर विनायक जी पहुंच गए। लाला ने उनसे कहा, मैं आपको गुरु दक्षिणा के रूप में 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा और साथ ही आप दिन भर हमारे यहाँ ही रहेंगे, इसीलिए आपको मैं भोजन भी करूंगा। 3 दिन बीत गए। लाला का लड़का बहुत ही आज्ञाकारी और नेक बन गया। एक दिन लाला की पत्नी ने विनायक जी को उनकी दक्षिणा देने के बारे में कहा, आपने विनायक जी को पिछले 3 महीने से दक्षिणा नहीं दी है, ना हमारा बेटे कितना आज्ञाकारी हो गया है। तो लाला ने कहा, कैसे पैसे, उनके भोजन पर जितना खर्चा होता है अगर उसको देखा जाए तो उल्टा विनायक जी को हमने पैसे देने चाहिए। विनायक जी बीरबल से मिलने गए और सारी बात उनको बता दी। कुछ दिनों बाद बीरबल लाला के पास आए। अरे लाला जी, कैसे हैं? आपका बेटा कैसा है? लाला जी ने सब हाल सुनाया और बीरबल ने कहा, आपने विनायक जी को दक्षिणा क्यों नहीं दी? लाला ने फिर वही बात कही जो अपनी पत्नी से कहा था। बीरबल ने कहा, अच्छा तो मेरे पास एक और शिक्षक हैं, जो आपके बेटे को बेहतर शिक्षा देंगे और किसी भी प्रकार की कोई दक्षिणा या भोजन भी नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप विनायक जी के पैसे देकर उनको विदा कीजिए। लाला ने ये बात सुनकर फौरन सारी दक्षिणा दे दी। अगले ही दिन बीरबल गौतम बुद्ध की एक मूर्ति लेके लाला के पास आए। लाला ने कहा, अरे ये क्या है? तब बीरबल बोले, यही तो नए शिक्षक हैं। तब लाला ने कहा, अरे ये तो एक मूर्ति है। जी बिल्कुल, ये दुनिया के सबसे महान शिक्षक की प्रतिमा है, जो बिना किसी प्रकार की दक्षिणा के ज्ञान देंगे। तब लाला को बात समझ में आ गई और उन्होंने एक बार फिर से विनायक जी को वापस बुला लिया और उनसे क्षमा भी मांगी।